आर्थिक मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की तैयारी हो रही है। 30 नवंबर को कांग्रेस बड़े पैमाने पर दिल्ली में रैली करेगी और रैली को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी सरकार को घेरने की कोशिशें अब और भी तेज होती चली जा रही है। 30 नवंबर को रामलीला मैदान में एक भव्य रैली होगी कांग्रेस के जरिए, जहां पर सोनिया गांधी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी और अर्थव्यवस्था को लेकर कांग्रेस का ये मोर्चा बीजेपी पर रहने वाला है। तो मोदी सरकार को घेरने की कवायद शुरू हो चुकी है और तमाम मुद्दे हैं, लेकिन उन तमाम मुद्दों में आपको बता दें कि हमेशा से ही आर्थिक मोर्चे को लेकर मोदी सरकार को जमकर घेरा जा रहा है, चाहे हम सोशल मीडिया के जरिए करें या फिर खुले मंच पर। तो हर एक मंच पर यहां पर आर्थिक नीति को लेकर और जिस तरह से अर्थव्यवस्था लगातार गिरती चली जा रही है उसको लेकर विपक्ष मोदी सरकार पर हमलावर है। तो अब एक बड़े पैमाने पर अर्थव्यवस्था को लेकर घेरने की कोशिश बीजेपी को की जा रही है, जहां पर 30 नवंबर को रामलीला मैदान में एक भव्य रैली होगी और इस रैली में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी संबोधित करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने भारत को बेरोजगारी के कुएं में धकेल दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने भारत की संप्रभुता, आर्थिक सबलता पर आक्रमण और हमला कर दिया है और इसीलिए पूरे देश के हर जिले में श्रीमती सोनिया गांधी और श्री राहुल गांधी जी के आह्वान पर जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हुआ है, किसान बर्बादी की कगार पर खड़ा है और नौजवान बेरोजगारी के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, इसको लेकर 25 तारीख तक हर जिले के अंदर और हर प्रांत के अंदर एक व्यापक आंदोलन का आगाज हमने किया था। 60% मुल्क में ये संपूर्ण हो चुका और आज की इस बैठक में निर्णय किया कि 40% जहां बचा है वहां भी ये संपूर्ण हो जाएगा।